कोई प्रॉब्लम है नहीं इनको, तो आपके आपको लोगों को सिखाने के लिए हम इनको हमने एक सब्जेक्ट बनाया है, तो हम आपका टेस्ट आज बताएंगे आपको मीडियन नर्व का, सेंसरी मोटर और एफ वेव, तीन लेते तो तीनों का बताएं हम कैसे करना है। सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स कीजिए, ये न्यू प्रेप जेली है, इससे पेशेंट की स्किन को प्रिपेयर कीजिए। तो न्यू प्रेप जेली हमने लिया पहले से ले रखी है, तो इसको जहाँ जहाँ हमको साफ वो करना है वहाँ वहाँ साफ करेंगे। मेरा सिर ला दिया बाल देंगे। एक तो ये वाली सिंगल सिंगल लीड होती है, ये नई लीड है, सिंगल एक ही में तीनों है, इसी में एक्टिव रिफरेंस और ग्राउंड है। सिंगल प्रोब है, सिंगल प्रोब को यहाँ लगाया। मीडियन करने के लिए पेशेंट को थंब से लिटिल फिंगर पकड़ने को बोलो, ऐसे जो सब उभरा एरिया है वहाँ पर, बेली पे वहाँ पर हमको लगाना है, इधर से दिखाना, वहाँ पर हमको लगाना है एक्टिव। या तो ऐसे करो, या पेशेंट को नॉर्मल छोड़ने को बोलो, ऐसे पकड़ो सर, उभरा एरिया जो बेली है ना वहाँ पर लगाना एक्टिव। सर हम एक्टिव लगाते हैं, एक्टिव रिफरेंस टेंडन पे लगाना है, थोड़े दूर लगाना जैसे एम्पलीफाई भी हो पाए। ये रिफरेंस लगाए और ग्राउंड लगाओ, पाम पे लगा दो, मिड पाम पे, ठीक। स्टिमुलेशन कहाँ देना है, स्टिमुलेशन कैसे देना है, हमेशा कैथोड जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड की होगा, एनोड जो है प्रोक्सिमल की तरफ होगा जब हम मोटर देते हैं, और ये फ्लेक्सी कार्पेरी रेडियलिस टेंडन जो है और पल्मेरिस लॉन्गस, इन दोनों के बीच में रिस्ट की रिस्ट से 3 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल लगभग आपका एक्टिव एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, सॉरी कैथोड, ठीक है, माइनस कैथोड होता है। तो इसे रखा, पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना है कि आपको करंट देंगे हल्का हल्का, सुप्रा मैक्सिमल तक देना है। सुप्रा मैक्सिमल मतलब जहाँ तक एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, सुप्रा मैक्सिमल नहीं जाना है, सुप्रा मैक्सिमल, चाहे वो सुप्रा मैक्सिमल 10-15 पे हो, 20 पे हो, 25 भी हो सकता है किसी किसी का, उतना ही जाना है। तो हम इनका, ये तो यंग पेशेंट, तो इनका हम 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इनका 5 पर ही, 6 पर, 6 पर ही देखो अच्छा एम्पलीट्यूड आ रहा, बिल्कुल 11 आ रहा, तो सुप्रा मैक्सिमल जाने की जरूरत नहीं। वैसे सुप्रा मैक्सिमल जाएंगे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम इनको, 9, अभी जैसे ये 10 कर दिया हमने, 10 में है, और बढ़ गया, 12 हो गया, अब जैसे थोड़ा और बढ़ा दिया तो इतना ही बढ़ रहा, 12 एम एच है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर पे, मिली एम्पियर पे, सॉरी 12 ही मिली वोल्ट बढ़ रहा एम्पलीट्यूड। तो हमने दिखाया यही सुप्रा मैक्सिमल है इनका, 12 मिली एम्पियर पे ही इनका सुपर मैक्सिमल आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमको ये तो हो गया डिजिटल स्टिमुलेशन, अब प्रोक्सिमल स्टिमुलेशन देना, 2 स्टिमुलेशन मिनिमम होने चाहिए नॉर्मल, अगर आप मीडियन का नर्व का कंडक्शन कर रहे तो ये मिड, ये एंटीक्यूबिटल फोसा है, तो मीडियल साइड पे इनको अबव द एल्बो देना है इनको स्टिमुलेशन, थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप, नेक्स्ट यहीं से करना है, या तो यहाँ से नेक्स्ट करो, या ये इस मशीन पे भी यहाँ नेक्स्ट करने के लिए यहाँ से कर सकते हो, तो हल्का सा थोड़ा प्रेस करके देना है। तो नहीं आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, तो तुमको और थोड़ा एस्टिमेशन बढ़ाना पड़ेगा। किसी किसी का वहीं पर आ जाता है, लेकिन किसी किसी का थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो डिजिटल जो स्टिमुलेशन है वो आया है 12, प्रोक्सिमल आया है 8, तो इनका सही है, 50% से ऊपर आ रखा है। ये जो है ये वाला है, ये डिजिटल लेटेंसी है, ये प्रोक्सिमल लेटेंसी है, ये एम्पलीट्यूड है दोनों का, ये इसका है, ये ड्यूरेशन हो गया पूरा, ये एरिया कितना ले रहा है पूरे यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें मेन डिजिटल लेटेंसी और एम्पलीट्यूड होता है। अभी हम क्या करेंगे, इन हमको अब इनका क्या चाहिए, कंडक्शन वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन और डिजिटल स्टिमुलेशन जहाँ हमने दिया, दोनों के बीच का हम डिस्टेंस नापेंगे। चलिए है इन स्टेप से हमें यहाँ पर, ये देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड से कैथोड के बीच का गैप हमको लेना है। ये इंच टेप है, यहाँ से रखा, यह दिया यहाँ से, और ये जो दिया यहाँ से यहाँ लिया तो कितना आया, 24 आया, तो 20 मीटर हुआ, 240 मीटर, ठीक है। अब जो डिस्टेंस वाला एरिया है ये वाला, इसमें हमको यहाँ सेकंड वाले में डालना है 240, तो ये वेलोसिटी निकल के आई है 64। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है,
डिस्टेंस इन मिलीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इन मिलीमीटर बाय प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन माइनस डिजिटल स्टिमुलेशन। प्रॉक्सिमल कितना है 6.6, डिजिटल कितना है 2.9, इनको माइनस करो कितना आएगा, जितना आएगा उसको 240 से भाग देना है, हाँ उसको भाग देना इसमें इसमें, तो ये आता है, ठीक है। तो ये हमको, ये हमारे एक टेस्ट हो चुका है, मोटर कर दिया मीडियन का। अब मीडियन का हमने FOA भी करना है। FOA क्या होता है, मोटर का तो सिर्फ नर्व का होता है, जहाँ से हमने लिया वहाँ से, जहाँ से स्टिमुलेशन लिया वहाँ से और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड तक। अभी FOA क्या होता है, वो आपके एंटीरियर हॉर्न सेल से वापस लौट के जो आता है, पूरी नर्व का है, पूरी लेंथ का है FOA। तो FOA की नॉर्मल वैल्यू हम इस मशीन का एवरेजिंग है 30 मिली सेकेंड, इतना होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे हम, हमेशा जब भी आप FOA लोगे तो हमेशा एनोड को रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के नज़दीक रखना है, ऐसे जब मोटर करते तो ऐसे और जब FOA करते तो ऐसे। इसमें क्या होगा, एनोडल ब्लॉक नहीं आएगा। जब ये FOA जाएगी, जब ये वापस जाएगी, हम ऐसे करेंगे वापस जाएगी तो इस पे ब्लॉक हो जाएगा, तो वापस एंड हॉर्न सेल तक नहीं जा पाएगी, सिर्फ आगे आगे जाएगी। तो क्या करना है, ऐसे रखना है। अब ऐसे रखने के बाद सुपरा मैक्सिमम आपको पता ही है कितना, इसका 12-15, तो 12-15 लेके आपको मिनिमम 10 देने हैं। मिनिमम 10 देना है, ऐसे 10 स्टिमुलेशन कंटिन्यू देना है। थोड़ा स्मूथ भी कीजिए इसको, क्योंकि आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा आया है, ग्राउंडिंग थोड़ा नहीं हो पाया, तो ये मैथ पे जाना है, स्मूथिंग ऑल तब प्लस प्लस दबाना है, फिर मेजर करना है। अब ये वाला मोटर है, ये वाली FOA है, थोड़ा छोटा करते हैं, तो FOA ये बनी है, देखो ये 24.6 ms बनी हुई है। ये क्या होता है, ये अपना स्टिमुलेशन से रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड तक ये आया है, और स्टिमुलेशन से हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल जाके वापस रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पे आया है, तो ये आया है। इसमें दो होते हैं, मिनिमम होता है जो हम देखते हैं, मिनिमल लेटेंसी वो देखते हैं, और एक क्रोनो डिस्पर्सन देखते हैं कि मिनिमल और मैक्सिमम के बीच में गैप कितना है। तो कम 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें कितना है, 2 है, तो नॉर्मल है। अगर मिनिमम और मैक्सिमल के बीच में 4 से ज़्यादा गैप है मैक्सिमम के बीच में, तो भी अब नॉर्मल होता है, उसको क्रोनो डिस्पर्सन बोलते हैं। तो ये आपका FOA आ गया, ये FOA की सेंसरी करेंगे उसी मीडियन का। पहले क्या किया था, अनलर मीडियन किया था, मीडियन का मोटर किया, FOA किया, अब मीडियन का सेंसरी कर रहे हैं। सेंसरी करने के लिए फर्स्ट जो फिंगर है, फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट पे लगाते हैं हम मीडियन का, एक्टिव लगाते हैं इधर रेफरेंस थोड़ा आगे, और स्टिमुलेशन सेम जगह, सेम कैथोड पॉजिटिव सेंसरी कर रहे हैं मीडियन की। तो सेम वही है, कैथोड को हमेशा रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड की तरफ रखना है और एनोड को पीछे की तरफ रखना है। ये सेम 3 सेंटीमीटर पे देना है, जहां हमने मोटर दिया था वहीं सेंसरी देना है, वहीं FOA देना है। ये ग्राफ बन के आया है, तो हम इसको थोड़ा एवरेजिंग लेना है। एवरेजिंग में क्या होगा, आर्टिफैक्ट जो है सब हट जाता है। तो ये एवरेजिंग ले चुके हैं हम, एवरेजिंग लेने के बाद जो हल्का ब्लैक आया ये एवरेजिंग है, ये इसका डिजिटल लेटेंसी है, और ये एम्पलीट्यूड है ऑनसेट पीक, ये पीक टू पीक है। तो मेन हम देखते हैं ये ऑनसेट पीक एंड डिजिटल लेटेंसी, ठीक। अब हमको भी इसका कंडक्शन वेलोसिटी चाहिए, तो कंडक्शन वेलोसिटी जानने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। कंडक्शन वेलोसिटी जानने के लिए पेशेंट खाद स्ट्रेट कराना है, कैथोड जहाँ पर हमने रखा है वहाँ से और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस नापना है। ये नापा तो 15 आया, अप्रोक्सीमेट 15 आया, तो 15 आया है, तो 150 मिलीमीटर डालेंगे हम, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, तो 63 आया, सेंटीमीटर 15 था तो मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 63 नर्व कंडक्शन वेलोसिटी आ गया इसका। तो ये बन के हमारा, हाँ ये नॉर्मल है इनका। धन्यवाद।